मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई केरला गए हैं आप कभी? बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पर जो बैक वाटर्स है ना, बहुत मज़ा आता है। हरियाली काफ़ी है, पानी है, खाना इतना बढ़िया है और स्पाइसेस इतने अच्छे होते हैं वहाँ के कि दिल करता है कि वहीं पर बस जाएं, क्योंकि इतने फ्रेश स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, वहाँ का खाना बनाते हैं, टेस्टी डिलिशियस, सब लोग बना सकते हैं और ऐसा स्वाद जो सबको अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं रॉ बनाना, कच्चे केले की सब्जी के साथ। इसको नारियल के साथ में बनाएंगे और मसाले हैं ढेर सारे, देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो केला है ये हमें चाहिए, इसे आप पकाएं, लेकिन पकाने से पहले छील लेते हैं हम। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी छुरी है तो ये लीजिए ये, और इसके बाद ये जो कच्चा केला है उसे आपने काटना है, डाइस करना है। इसे हम पकाएंगे इस पानी के अंदर। इसमें हम डाल देते हैं नमक, इसके साथ में थोड़ी हरी मिर्च, हरी डाली है तो लाल भी डाल ही देते हैं, और इसके साथ साथ हल्दी। और अब ये जो कच्चे केले हैं ये इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और अब इसे आप पकने दें अच्छी तरह से। और क्या क्या डालना है इसके अंदर? इसमें भी चाहिए नारियल। भाई कोस्टल इलाका है केरला और वहाँ पर नारियल ढेरों मिलते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब हम केरला गए तो केरला में नारियल इतना होता है, लेकिन केरला में अगर नारियल पानी पीना हो तो कैसे आप पिए? भाई देखिए, सबके घर में पेड़ लगे हुए हैं तो इसलिए बाज़ार में ज़्यादा बिकता नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आजकल मुझे पता चला है कि काफ़ी मिलना शुरू हो गया है। होटल में जाएं तो वेलकम ड्रिंक नारियल के पानी की, और भी घर घर में भी खूब सारा मिलता है। तो इस डिश के लिए हमें नारियल चाहिए, नारियल का पानी नहीं, स्क्रेप करके आप नारियल ये ले लें, ये देखिए स्क्रेप किया हुआ नारियल। उसके साथ साथ हमें चाहिए जीरा, दोनों को साथ में आप ग्राइंड कर लें, थोड़ा पानी डालें और ये देखिए नारियल और जीरा, ताज़ा नारियल और जीरा पिसा हुआ साथ में। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमें चाहिए वो है दही, और ये दही जो है अच्छी तरह से फेंट लें। अब दही हमारे पास है, नारियल हमारे पास है, लेकिन जब तक कच्चे केले थोड़े और नहीं पक जाएं, बाकी हम काम नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, चलिए मैं काम करता हूं, आपको थोड़ी सी सैर कराता हूं केरला की। आइए, केरला के खाने में नारियल और केले का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के डिशेस में किया जाता है। केरला में करीब 15 किस्म के केले उगाए जाते हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा उगाए जाते हैं। खैर, इनमें पॉपुलर हैं कप्पा, मट्टी और पूवनपड़म। कभी आप भी जाएं तो जरूर चखें। मुझे लगता है अब ये जो कच्चे केले हैं ये काफी पक चुके हैं, चेक कर लेते हैं। वाह, अब क्या करना है? अब ये जो हमने नारियल और जीरा पीसा हुआ है वो इसके अंदर डालते हैं। ये नारियल और जीरा इसके अंदर, और अब इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। ये वैसे केरला में नारियल का इस्तेमाल काफ़ी होता है, यहाँ तक कि जो खाना है उसमें नारियल के तेल का भी इस्तेमाल होता है। हम खैर अभी तो इसमें हमने तेल डाला ही नहीं है, लेकिन तेल डालेंगे तो ये जो तेल है ये मैं ले लेता हूँ, मैं नॉर्मल तेल ले रहा हूँ। अब ये जो है ये अच्छी तरह से हमने पका लिया है, अब बारी आती है दही डालने की। तो इसमें हम डालते हैं दही, फिटी हुई दही, और ये कर लिया मिक्स दही को, और इसे हम कर देते हैं बंद। ये तेल हो गया है गरम, अब इसमें हम डालते हैं राई, मस्टर्ड सीड्स, उसके साथ साथ मेथी दाना और कुछ सूखी लाल मिर्चें तोड़कर इस तरह से, और उसके साथ साथ करी पत्ते। वाह, ये तड़का हो गया तैयार, इसे किया बंद और
इसके अंदर डाल दिया तड़का, बंद कर दिया। ये किस लिए? ताकि जो फ्लेवर है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए। बस अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको खाएंगे, लेकिन अभी नहीं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 कच्चे केले कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 कप किसा हुआ ताजा नारियल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 कप दही, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें और 10 करी पत्ते। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 कप पानी गर्म करके इसमें नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और कटे केले डालकर इसे पका लें। नारियल और जीरे को थोड़ा पानी डालकर पीस लें और अब इस नारियल की पेस्ट को भी पके हुए केले में डालकर मिक्स करें और इसके बाद इसमें दही डालकर मिक्स कर लें और इसकी आंच बंद कर दें। एक पैन में तेल गर्म करके इसमें राई, मेथी दाना, सूखी हुई लाल मिर्च और करी पत्ते डालकर कुछ देर तक पकाएं और इस तड़के यानी वगार को पके हुए केले की सब्जी में डालकर इसे परोसे तुरंत गर्मा गर्म। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब देखते हैं एक ऐसी मसालेदार रेसिपी जिसमें ढेर सारा मसाला और कुछ पकाएंगे, रोस्ट करेंगे, केले के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत सारा काम करना है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें करना है। ये जो रेसिपी है इसमें हमें एक मसाला बनाना है और उसके साथ साथ ये एक चीज़ बता देता हूँ, फ़िश की रेसिपी है और इसके लिए छोटी जो पॉम्फ्रेट है ये हमने ली है। वैसे वहाँ पर अगर केरला में हैं तो आपको एक वहाँ की स्पेशल फ़िश है करीमीन, वो आप लें, बहुत बढ़िया पर्ल स्पॉट फिश जो होती है, लेकिन पॉम्फ्रेट हमारे यहाँ पर आसानी से मिल जाती है तो वो ली है मैंने। एकदम इसे साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद इसमें चीरा लगाना है हमें, ये इस तरह से दोनों तरफ ये लगा लिया चीरा। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला एक लगाते हैं, नमक और उसके साथ साथ पेपर पाउडर, हल्दी और इसमें नींबू का रस, ये लीजिए, और इसमें ये मसाला, नींबू, हल्दी, नमक और थोड़ा सा पेपर पाउडर। पकाना शुरू करते हैं और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं और इस पैन में ये तेल, अब ये जब तेल गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें मस्टर्ड सीड्स यानी राई और इसके साथ साथ इसमें हमने डालना है ये करी पत्ता और अब इसमें स्लाइस्ड अनियन, प्याज। अच्छा, इसके अंदर जो प्याज मैंने लिए हैं वो छोटे वाले प्याज लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी हम बता रहे हैं इसमें फ़िश मसाले के साथ में पकानी है तो एक मसाला बनाएंगे, भाई केरला का एपिसोड है इसमें मसालेदार चीज़ें होनी चाहिए, तो एक पेस्ट मैंने तैयार की है। ये है अदरक, लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च और उसके साथ काली मिर्च, ये सब चीज़ों को पीस लिया है। इसे रखते हैं, अभी नहीं डालेंगे। इसमें हम एक काम करते हैं, हरी मिर्च तो डाल ही देते हैं, ये लीजिए हरी मिर्च, प्याज अच्छी तरह से भून रहे हैं हम। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, ये जो मसाला है ये डाल देते हैं और अब ये जो प्याज है ये लीजिए, अब इसमें थोड़े लाल टमाटर। अच्छा, ये भी जो है टमाटर मैंने कई जगह डिश खाई है, कुछ लोग पसंद करते हैं थोड़ा टमाटर डालना और कुछ लोग बिना टमाटर के बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मसाला जब इसमें टमाटर डल जाता है ना तो और बढ़िया हो जाता है। और ये जो पत्ते हैं इसे थोड़ा ग्रीस कर लें, इस पर लगाएं तेल। अब इसमें हमने डालना है ये नारियल का दूध, थिक वाला, और अब क्या डालें? अब इसके अंदर नमक,
नमक स्वादानुसार, और ये मसाला हो गया तैयार। और इस प्लेट में निकाल लेते हैं हम और इसे कर लें थोड़ा ठंडा। अब ये जो फिश है इस पे हमने लगाना है ये मसाला। तो ये जो मसाला है एक काम करते हैं, इसी तरह से इस फिश को आपने पकाना है। अच्छा एक काम कर सकते हैं कि ये जो साइड है ताकि ये पूरी तरह से बंद हो जाए, तो ये लगा दी इसमें टूथपिक। और अब इस पैन में ले लेते हैं तेल, इसे हम पकने के लिए रख देते हैं और इसे आप पकाएं करीब 10 मिनट तक, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। इसे हम पलट लेते हैं। वाह! और जब ये पक जाए तो ये जो बाकी फिश हैं उसको भी इसी तरह से लपेटें मसाले में और पकाएं और खाएं। खैर अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप, और मैं लेके आता हूं एक मीठी डिश केरला से, टेस्टी डिलिशियस, इसे नोट करें। इसके लिए हमें चाहिए 4 छोटे साइज की पॉम्फ्रेट, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 8 सूखी लाल मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 लहसुन की कलियां, 8 काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 10 करी पत्ते, 10 छोटी प्याज स्लाइस की हुई, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 2 टमाटर कटे हुए, आधा कप नारियल का दूध और 4 केले के पत्ते। इसे बनाने के लिए पॉम्फ्रेट फिश को साफ करके इसमें छीके लगा लें। एक बोल में नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नींबू का रस डालकर मिलाएं और इसे फिश के ऊपर लगाकर करीब आधे घंटे तक फिश को मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और काली मिर्च में थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, करी पत्ते, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें तैयार पेस्ट और कटे हुए टमाटर डालकर भूनें। इसमें गाढ़ा नारियल का दूध और नमक डालकर मिलाएं और इसे थोड़ा ठंडा कर दें। केले के पत्ते के ऊपर तेल लगाकर इसके ऊपर तैयार मसाला डालें। अब ऊपर से फिश को रखें और बचा हुआ मसाला फिश के ऊपर रखें और अब इन केले के पत्तों को मोड़कर इसे फोल्ड कर लें और टूथपिक से बंद कर दें। और अब इसे गर्म तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से करीब 10 मिनट तक सेकें और गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा केरला का स्पाइसी एपिसोड और अब इसमें एक मीठी डिश। जी हाँ, इतना स्पाइसी खाना खाएंगे उसके बाद में कुछ मीठा तो चाहिए ना। अदा प्रदमन बहुत ही बढ़िया डिश है। इसे बनाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये क्या चीज़ है, ये है अदा। अब ये चावल से बनता है, आप समझ ले एक तरह का ये पास्ता है चावल से बना हुआ, बाजार में बना बनाया मिल जाता है। जो स्पेशलिटी साउथ इंडियन शॉप्स होती हैं वहाँ पर ये बना बनाया मिल जाता है, तो ये बाजार से हमने लिया हुआ है। और अब क्या करना है, अब आपको चाहिए घी, देसी घी में बढ़िया बनता है, तो देसी घी। और दूसरे एक बर्तन में ये मैं ले लेता हूँ पानी, और उसके साथ साथ 2 मेरे पास कोकोनट मिल्क हैं, थिक कोकोनट मिल्क और थिन कोकोनट मिल्क। तो ये थिन कोकोनट मिल्क, और इसे हम गरम कर लेते हैं। और ये जो घी गरम हुआ है इसमें ये अदा, इसे हल्का सा सौते करना है हमने। इसमें डाल देते हैं ये अदा और इसे अब हमने पकाना है। अब एक काम करना है हमें, वो ये कि थोड़ा घी, और ये घी हमने कर लिया गरम, और इसमें काजू और इसके साथ साथ किशमिश, ये दोनों चीज़ों को हल्का रंग देना है। बस इसे बंद कर देते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा लाल नहीं करना, और इसी पैन में मैं इसे रहने दूंगा ताकि ये और पकता रहे। अभी ये हल्का सा लाल होना शुरू हुआ है। अच्छा, इस डिश की एक और खासियत है
वो ये कि इसको बनाया तो जाता है इस तरह से, लेकिन इसमें जो मिठास है वो आती है गुड़ से, और वो भी पाम जैगरी। जी हाँ, ये क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर तरह तरह के पाम्स होते हैं, तो उसमें से जैगरी बनाई जाती है। ये पाम जैगरी है, मतलब ताड़ का गुड़, ये हमने लिया है। अब ये जो इसमें हमने अदा डाला है, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी पक गया है। हाँ, थोड़ी सी कसर है। खैर, अब इसमें हम डालते हैं ये गुड़ जिसकी इतनी बातें हुई हैं, ये पाम जैगरी, और इसे मिक्स कर लेते हैं। वाह! और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी इलायची पिसी हुई, ये इलायची इसमें हमने डाल दी, और फिर ये जो हमारे पास काजू और किशमिश हैं वो इसके अंदर डालें। ये हो गया बढ़िया गाढ़ा अड्डा प्रदमन। लेकिन अभी नहीं, अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इसके अंदर नारियल। ये थिक वाला नारियल का दूध, गाढ़े वाले नारियल का दूध ये डाला इसमें। बस ये दूध डालने के बाद अब पकाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसे बंद करें और इसे परोसें। इसे बेस्ट सर्व किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, यानी ना गर्म ना ठंडा। लेकिन ये जो अड्डा है ना, इसका कुछ जवाब नहीं। गरम आप ना खाएं। वाह! नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक कप अड्डा, ये आपको किसी भी साउथ इंडियन प्रोविजन स्टोर में मिल सकती है, 5 बड़े चम्मच घी, 1 कप नारियल का दूध पतला वाला, 12 काजू, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 200 ग्राम पाम जैगरी यानी ताड़ का गुड़, 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर और 1 कप गाढ़ा वाला नारियल का दूध। इसे बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच घी गर्म करके इसमें अड्डा डालकर इसे भून लें। एक पैन में 1 कप पानी में पतला नारियल का दूध डालकर इसे गर्म करें और इसमें भुनी हुई अदा को डालें और इसे पका लें। इसमें पाम जैगरी यानी ताड़ का गुड़ डालें और इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें। एक पैन में बचा हुआ घी गर्म करके इसमें काजू और किशमिश डालकर भून लें और इसे भी इस पके हुए मिक्सचर में डालें और मिक्स कर लें। और अब बारी आती है थिक कोकोनट मिल्क डालने की। थिक कोकोनट मिल्क डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे परोसें गर्मा गर्म या रूम टेम्परेचर पर। केरला के बारे में कहा जाता है कि जिस भगवान ने केरला बनाया उसकी उंगलियां हरी होंगी। जी हाँ, ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन थंब, एवरीथिंग। सच, शांत और खूबसूरत बैकवाटर्स, हरियाली पहाड़ियाँ, वाइल्ड लाइफ और खुशबूदार स्पाइसेस, सभी कुछ तो है यहाँ। इसीलिए तो कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। और अब बारी है आज की टिप की। भाई, ये अड्डा प्रदमन के लिए जो अड्डा है वो घर में कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3/4 कप चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और फिर इसमें से पानी निकाल कर किसी किचन टॉवल पर रखें और इसे सुखा लें। अब मिक्सी में इसको पीस कर इसका पाउडर बना लें और इसमें करीब 1 कप गर्म पानी डालकर इसकी पेस्ट तैयार कर लें। केले के पत्ते पर इस पेस्ट को फैला कर इसे पत्ते से ढक दें और इसे स्टीमर में करीब 15 मिनट तक स्टीम कर लें। इसे ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे धूप में सुखा कर रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।